सागर के गोपालगंज बाढ़ में भी रोचक मुकाबले वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां पार्षदी का अनुभव रखने वाले एक युवा चेहरा भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहा है, तो वहीं एक वरिष्ठ अनुभवी कांग्रेस की तरफ से मैदान में होने से कड़ी टक्कर तो है ही, कुछ निर्दलीय भी चुनावी बाजी में उतर किस्मत आजमाने से रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। भाजपा ने कांग्रेस की तरफ से पूर्व की पार्षद के कार्यकाल में पार्षद रही महिला के पुत्र रूपेश यादव को सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर यहां से प्रत्याशी बना ओबीसी कार्ड खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अनुभवी चंद्रभान तिवारी को मैदान में उतार अनुभवी बनाए युवा चेहरा का गलत उलझा मुकाबला रोचक कर दिया है। यहां भी बाढ़ विकास की गति धीमी नजर आ रही है, जिसको लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशी की अपनी प्राथमिकता है और वह उन्हें आधार बना जनता के बीच जाकर जनसमर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जागरूक मतदाता का जनादेश इस बार किस प्रत्याशी के पक्ष में जाता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बार वार्ड में मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्ष जो भी कार्य किए उनसे जनता संतुष्ट है, और कुछ जो आगामी कार्य हैं कहीं कहीं रोड नाली दूर नाली रह गई है, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, प्रयास क्या उसको पूर्ण करूँगा। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को दिलाने का पूरा प्रयास। इस बार हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जब मैं पिछली बार पार्षद था उसके बाद सीट आरक्षित हो जाने से मेरे कुछ सपने थे, हमारे कुछ संकल्प थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया था। इस बार मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ उन संकल्पों को पूरा करूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी, ऐसा क्या काम लग रहा है आपको कि जनता के बीच में जाकर सबसे पहले अगर आप जनता चुनती है तो सबसे पहले ये काम करेंगे? सबसे पहले जनता अगर हमें चुनती है तो मैंने वार्ड में अभी जनसंपर्क में देखा है लोगों के घरों में पानी भर रहा है, बाल्टी से पानी निकाल निकाल के बाहर कर रहा है। सबसे पहले मैं रोड नाली और पानी की व्यवस्था करूँ, उसके पश्चात बड़े कार्य जो है उनका मैंने जो सपना देखा था जैसे शमशान घाट गोपालगंज को मैं इलेक्ट्रिक शमशान घाट बना रहा था, उसके पश्चात यहाँ पर कोई ओवरहेड टैंक नहीं, लोगों का बिजली का बिल ऊपर पानी चढ़ाने में इतना अधिक आता है कि लोग परेशान। मैं इस क्षेत्र में एक ओवरहेड टैंक की स्थापना, हम देखते हैं मेन रोड पर बहुत से हाथ ठेला वाले जो रोजाना पैर कमाते खाते हैं रोड पर लगाए रहते हैं, मैं ऐसी जगह शासकीय जगह चिन्हित करूँगा जहाँ पर छोटी छोटी घूमती दुकानें बनवाकर उन गरीब लोगों को वितरित करूँ। इसके पश्चात मैं चाहता हूँ कि हम अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में विकसित करूँ, इसी सपने के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।